नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, इसने कहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल्स 132 किलोमीटर बिटवीन दो प्लेस है अपने पास, एक तो मैसूर है कोई जगह और एक क्या है बेंगलोर है, उनके बीच की जो दूरी है वो 132 किलोमीटर और उसको तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है 1 घंटा कम समय लेती है, किससे पैसेंजर से। उसने कहा है अगर स्टेशन पे जो टाइम रुकती है ट्रेन वो टाइम को हमने कंसिडरेशन नहीं करना है, अगर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, अगर जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर से 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की हमने क्या करना है एवरेज स्पीड माननी है, बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो लेट किया, मान लिया मैंने लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड को हमने मान लिया एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, क्योंकि हम उसको नहीं मान सकते एक्सप्रेस वाली को क्योंकि वो तो डिपेंड करती है पैसेंजर के ऊपर। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं जो इनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस कितनी है बोलो 132 किलोमीटर, यही है ना, और टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस है क्या बोलो 132 और बाय में स्पीड क्या है x, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करूंगा स्पीड किसकी भाई, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी स्पीड क्या होगी बताना, कितनी होगी x प्लस 11, क्योंकि उसकी स्पीड पैसेंजर से 11 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए अगर मैं टाइम की बात करूं तो समय का फॉर्मूला तो वही डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो वही 132 ही है लेकिन इसकी स्पीड कितनी है x प्लस 11, ठीक है। अब दोनों समय है मेरे पास, एक ये भी समय है और एक ये भी समय है, दोनों में से ज्यादा समय कौन सा है ऊपर वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 बाय एक्स और माइनस में 132 बाय में एक्स प्लस 11 किसके इक्वल होगा, क्योंकि एक ही घंटे का फर्क आ रहा है उसको आप राइट हैंड साइड में रख देंगे। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया, रह गया कितना x into x plus 11, तो ये हो गया मेरे पास 132 x plus 11 माइनस 132 into x 1 into x plus 11, यही हो गया ना, ठीक है। 132 की गुणा x से करें कितना हो गया 132x हो गया, 11 के गुणा करें भाई 2 से 22, 33 और 2 35 और 11 और 4 कितने हो गए, गलत कर रहे हैं 11 और 3 14, यही होगी ना, देखो गुणा में गलती तो नहीं है, 1452 ही आएगा, 11 2 22 2 भाई फिर 33 और 2 35 फिर 3 11 और 3 14, ठीक है। उसके बाद कितना है माइनस में 132x एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 11x, इस टर्म से ये टर्म हमारी क्या होगी कैंसल, तो हमारे पास रह गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब फिर फैक्टर बनाने में आपको कन्फ्यूजन होगी तो बेटर मेथड है हमारा कौन सा, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 11 एंड सी इज इक्वल टू -14 52, ठीक है। तो x इज इक्वल टू होता क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 2a, यही होता है ना, तो माइनस बी माइनस 11 प्लस माइनस बी स्केयर माइनस में 4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है -14 52, यही है बाय में 2a, और क्योंकि a हमारा 1 है तो ये 2 ही रहेगा। ध्यान रहे जब ये डिवाइड वाला सिंबल लगाएं तो कंप्लीट के डिवाइड में रखें,
ठीक है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल छोटा सा सिंबल लगा रखा, गलत दे देगा एग्जामिनर इसको। तो माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर करोगे 121, माइनस माइनस प्लस हो गया, चार से गुणा करेंगे तो ये आ गया 8, उसके बाद 20 और 18, ठीक है, और 5, यही आ गया ना भाई, डिवाइड में हमारे पास 2। तो माइनस 11 प्लस माइनस सोल्व कीजिए इसको, 9 दो भाई यहाँ पर, और कितना हो गया ये भी 9 और 5 डिवाइड में 2। अब स्केयर रूट देखना है हमने कि ये किसका होगा, ठीक है। अगर डिजिट का सम देखोगे तो 9 और 2 11, 11 और 9 कितना हो गया 20 और 5 25, तो किस डिजिट से डिवाइड होगा भाई ये, 25 हो गया 3 से तो होता है, और 25 ही हो रहा है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में, देखिए सारी चीज़ें ठीक है ना हमारी बिल्कुल। ये गुणा को देख लो एक बार, 11 दुनी 22, 11 33 और 2 35, 3 11 एकम 11 और 3 14, ठीक है ठीक है। इसके फैक्टर देखो बस बना के, क्या फैक्टर बनते हैं, 121 को बाहर कैसे निकाले, मल्टीप्लाई में नहीं ना, प्लस में है। देखिए भाई डिविजिबिलिटी के रूल अगर किसी को भी याद हो तो, लास्ट डिजिट हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता, क्या है 11 से डिवाइड हो रहा है, 4 रह गया ना, 42 हो गया, 3 कितना रह गया, 12 में से 3 9, ठीक है ठीक है। तो 11 5 फिर 3 और फिर कितना 9, तो ये हो गया 9 और 3 12, 12 और 5 17, फिर देखो किससे, 11 से ये किससे है, देखो अगर 11 चौक 44 करें बात बन जाएगी, 7, ठीक है, कितना हो गया इसका स्क्वायर रूट, माइनस 11 प्लस माइनस कितना हो गया 77 डिवाइड में 2, और क्योंकि हमारे पास प्लस और माइनस दोनों के दोनों सिंबल हैं तो करोगे क्या, एक बार प्लस लेंगे आप और एक बार माइनस, तो माइनस 11 और प्लस में कितना है 77 बाय में 2, फिर लेंगे आप माइनस 11 माइनस 77 बाय 2, ये तो हमारा पॉसिबल होगा नहीं, नहीं होगा ना, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकती। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया 66 बाय में 2, कितना आ गया, तो जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी जो चाल है वो तो आ गई हमारे पास 33 किलोमीटर और ये आ जाएगा 44 किलोमीटर, कर लोगे, समझ में आ गया सभी को, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना इस केस में, बस ध्यान रख लियो फैक्टर 11 पे होता है ये डिवाइड, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन भाई इसका, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, तो फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। हमारे पास दो स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर के आदि यदि हम एरिया का सम करते हैं तो वो अलग दे रखा है, और दोनों जो स्क्वायर हैं उनके पेरीमीटर का अगर डिफरेंस करते हैं तो वो कितना दे रखा है 24, ठीक है। तो लेट किया हमने, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहला जो वर्ग है उसकी साइड हमने मान ली x, ठीक है, और सपोज कर लिया जो पहला है हमारे पास वो सिर्फ इतने साइज का है, दूसरे को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा तो एक बड़ा ही होगा, यही चीज दे रखी है ना, ठीक है, इसको हमने x कह लिया, ठीक है। उसके बाद साइड हमने मान ली किसकी, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड को हमने क्या मान लिया y, कन्वर्ट हो जाएंगी एक में ही, देखना कैसे होंगे, ठीक है। तो सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरिया, इनके एरिया का जो सम है वो कितना दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर, मींस पहले का एरिया स्क्वायर किया तो मैंने सॉरी एरिया निकाला तो साइड इनटू साइड क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और दूसरे का साइड इनटू साइड क्या हो जाएगा
और दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो गया 168. इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख के छोड़ दिया, ठीक है. डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इनके परिमाप का जो डिफरेंस है वो कितना है बोलो, 24. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ स्केयर होता क्या है, 4 इंटू साइड, 4 गुणा में भुजा, यानी कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, यहां पर है हम, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए और वापस यहां आ गए, चारों एक्स को जोड़ दिया कितने हो गए 4x, इसका पेरीमीटर निकल गया. तो बड़े में से छोटा घटेगा ना, 4y - 4x = 24. कन्फ्यूज तो नहीं हो गए कि 4x - 4y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है. दोनों में से 4 कॉमन है तो y माइनस में x = 24 कैंसिल हो गया, 6 के ऊपर x को ले जाओ राइट हैंड साइड में तो y किसके इक्वल आ गया, 6 प्लस में x. ये वैल्यू किस में रखोगे, फर्स्ट में. तो आप पुट करोगे, पुट y = 6 + x इन इक्वेशन फर्स्ट. एक में रखने पर, एक हमें कहती है x² + y, y की वैल्यू है 6 + x² और = कितना है 468. यही है ना, इसको और ज़्यादा सोल्व करोगे तो x² + a + b² 36 प्लस x² और प्लस 12x = 468. x² और x² 2x² हो गया, प्लस के 12x प्लस में 36 और माइनस 468 = 0. ठीक है, को और ज़्यादा सोल्व करोगे तो 2x² प्लस में हो गया 12x, ये हो गया मेरे पास 2, 3 और 4 = 0. चाहो तो इसमें से एक और टर्म कॉमन है, क्या है, 2 आपने बाहर ले लिया तो x² + 6x और माइनस में 216 = 0. ठीक है, 2 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, क्या हो गया 0. तो a है हमारा 1, b है हमारा 6 और c हमारा -216. फॉर्मूला है x = (-√b²-4ac/2a). यही है ना. और ये हो गया मेरे पास x = -b - 6 + b² 36 - 4, a की वैल्यू 1 एंड c -216 और बाय में 2a, a की वैल्यू 1 है. क्लियर यहाँ तक. इसको और ज़्यादा सोल्व करोगे आप तो x = ये आ गया हमारे पास -6 + -, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है. तो 36 और गुणा करोगे आप 4 से तो 2 × 6 = 8, यही होगी ना. जोड़ दीजिए इसको, 6 × 4 = 10 और यहाँ पर भी 10 हो गया और ये हो गया 9, डिवाइड में 2. आसान है ये तो बिल्कुल. कितना हो जाएगा 30 डिवाइड में 2, तो -6 + 30 डिवाइड में 2 और -6 - 30 डिवाइड में 2. और क्योंकि क्वेश्चन हमारा साइड से रिलेटेड है तो साइड हमारी ऋणात्मक तो किसी भी केस में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकती. तो यहाँ से मैंने सोल्व किया तो ये आ गया 24/2 = 12. तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 12. x यदि मेरे पास 12 है तो आप रिलेशन था ये रहा, तो y को निकाल लें, y कितना आ जाएगा बोलो, 18. x की वैल्यू आई है 12 और ये कितना आ जाएगा 18. कर लोगे सोल्व? Yes, आ गया समझ में सभी को? Yes, अगली एक्सरसाइज भाई, एक्सरसाइज 4.4 निकालिए. अब एक्सरसाइज 4.4 में कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नई चीज नहीं है. नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछेगा और नेचर ऑफ रूट्स के फॉर्मूले इनसे पहले वाले लेक्चर थे, मैंने आपको बता दिया है. अगर ax² + bx + c = 0 और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें किसकी, ए बी सी की. किसकी वैल्यू निकाल लें, ए बी सी की. और फिर हम डी निकाल के देखते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रमिनेंट, ठीक है ना, विभक्तिकर या शॉर्ट फॉर्म आप इसका डी से आप इसको डिनोट करें, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac. अगर b² - 4ac > 0 से तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, ठीक है, या टू डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट लिख दें, इतना भी काम चल जाएगा. और अगर आपका b² - 4ac = 0 आ जाए तो इक्वल रूट एग्जिस्ट, ठीक है. और यदि b² - 4ac < 0
तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, यहां पर रियल वर्ड जरूर लिखें आप। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसने कहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपने उनको सोल्व भी करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसने कहा कि 2x² -3x प्लस 5 इक्वल टू 0, यही है ना। तो हेयर यहां पर a जो है वो a कितना है 2, b कितना है एंड c की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। हमें चेक करना है b² -4ac, तो b² -3² -4a, a है 2 एंड c कितनी है 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस में ये हो गया 8, 8 की मल्टीप्लाई 40, -31 लेस देन 0, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर, यहां पर आ गया कि b² -4ac लेस देन 0, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो उनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कर लोगे ना। सेकंड पार्ट, 3x² माइनस में 4√3x + 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू 4, यही है। चेक हमें करना है b² - 4ac, तो b² - में 4√3² - 4, a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। पहले तो ये बताइए, माइनस का स्केयर करूंगा प्लस आएगा या माइनस, प्लस 4 का स्केयर कितना हो गया और रूट 3 का स्केयर, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना इसमें, दोनों का अलग अलग स्केयर लिखोगे, 4 का स्केयर 16 और रूट से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, तो माइनस में ये आ गया मेरे पास 48 और ये भी 48 -48, तो इसका मतलब क्या होगा, टू रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे दोनों के दोनों और इक्वल होंगे। तो फॉर्मूला था हमारा -b + -√d और बाय में 2a, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, बिकॉज ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू d की तो है, ये जो हम यहाँ निकालते हैं ये जो निकाल रखा है क्या है, d ही तो है, तो d भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो x = -b, b की वैल्यू है मेरे पास -4√3, तो +4√3, और क्योंकि d तो हमारा 0 ही है तो क्या हो जाएगा 0, अब पीछे कुछ नहीं रहा डिवाइड में 2a, a की वैल्यू कितनी है, ये बात समझ में आई है या नहीं, क्योंकि d है हमारा 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 को ऐड करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोल्व किया तो कितना आ गया 2√3/3, एक और लिख दो एक बार और इसको, 3/3 कर लोगे, yes, क्योंकि इक्वल थे हालांकि वैल्यू एक ही है, आप सोच रहे होगे दो कैसे हो गए, क्योंकि दो रूट एग्जिस्ट करेंगे तो एक जो आ गया दूसरा वही होगा, कर लोगे ना। लास्ट पार्ट इसका करके देख लोगे ट्राई, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट होंगे, क्योंकि अगर मैं b² - 4ac करता हूं तो b का स्केयर हो गया 36 और 4ac जब मैं करूंगा तो 3 × 6 और 4 × 3 = 12, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है भाई ये, एक नंबर में भी आ जाता है और आपका लक सही रहा तो ये दो नंबर में भी आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार MCQ ज्यादा थे इसलिए यहां से क्वेश्चन एक नंबर में आया था, अब की बार आपके MCQ की संख्या घट के जो है 16 पे आ जाएगी तो हो सकता है ये दो नंबर में आ जाए, ठीक है। क्या कहा इसमें, इफ द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, अगर इसके दो इक्वल रूट्स हों तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। मीन्स गिवन कंडीशन क्या हो गया हमारे पास, गिवन दैट क्या दे रखा है बताना, कि b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0, क्योंकि दो इक्वल रूट तो तभी होंगे जब b² - 4ac = 0 होगा, तभी होंगे ना भाई। तो ध्यान दीजिए, इक्वेशन है मेरे पास 2x² + kx
और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ए कितना है बोलो? टू। बी कितना है? एंड सी? सी की वैल्यू है थ्री। ठीक है, उसके बाद बी स्केयर, तो के स्केयर माइनस में फोर ए, ए की वैल्यू है टू और सी की वैल्यू है थ्री, इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया मेरे पास के स्केयर माइनस में 24 इक्वल टू जीरो और के स्केयर इज इक्वल टू कितना हो गया 24। फैक्टर करो 24 के, 2 12 2 6 2 3 3 1, तो पेयर किसका बन रहा है? सिर्फ 2 का बन रहा है ना। ठीक है, तो जब मैं दोनों तरफ स्केयर रूट करूंगा तो इससे ये तो हो गया कैंसिल और जिसका पेयर बनता वो आ जाएगा बाहर, जिसका नहीं बनता वो रहेगा रूट के अंदर। कर लोगे? यस सर। और क्योंकि स्केयर रूट किया है तो प्लस माइनस दोनों साइन लगा देना। समझ में आ गया ना? यस सर। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, बिकॉज टू इक्वल रूट इसके दे रखे हैं और जब दो इक्वल रूट होते हैं तो हमारे पास बी स्केयर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने किया है क्या, बस बी निकाला है, सी निकाला है, ए निकाला और इसमें रख दिया और कुछ भी नहीं किया, सोल्व कर दिया उसको। कर लोगे? यस सर। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में इसने कहा कि स्टेटमेंट है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ध्यान दे, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस में 2kx और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो हेयर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस टू के एंड c इज इक्वल टू सिक्स। यही है ना? कंडीशन yes, हमारे पास गिवन है कि बी स्केयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, दोनों के लिए सेम है कंडीशन, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो बी स्केयर माइनस टू के होल स्केयर माइनस में फोर ए की वैल्यू है k एंड c, c की वैल्यू है सिक्स इज इक्वल टू 24। स्केयर कीजिए, हाँ जीरो। ठीक है, कितना हो गया ये 2k स्केयर माइनस में 24k इज इक्वल टू जीरो। कॉमन बताइए क्या है? 2k, तो कितना रह गया यहां पर k, यहां माइनस 12। ठीक है, तो इफ यदि, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ गया 2k इक्वल टू जीरो, तो देन k इक्वल टू जीरो आ गया यहां से, तो अच्छा 4k आएगा भाई, 4 का। ठीक है, नहीं स्केयर तो आएगा, k का स्केयर आएगा, लेकिन यहां क्या रह जाएगा 6। तो देखिए अगर 4k इक्वल टू जीरो है तो k की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। और अथवा जिसका मतलब होता है k माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू 6। कर लोगे? यस सर। अगर आंसर पे डाउट लगे तो दोनों वैल्यू इसमें पुट करके देखो, और जब आप पुट करके देखोगे वैल्यू तो बी स्केयर माइनस फोर ए सी करके देखना, वो जीरो मिलेगा। कर लोगे सोल? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो भाई, एक आम की जो है वाटिका बनानी है, ग्रो मैंने वाटिका ही होता होगा है उगाना। अच्छा अच्छा, देखिए सारी बातों को छोड़ो, एक आयताकार क्या है, कुछ आम की बगिया है भाई, वो बनानी है, बाग लगाना यूं कह सकते हैं। ठीक है, एरिया 800 मीटर स्केयर, इसमें मीटर में सीधी सी बात है 800 मीटर है, तो इसमें इतनी बड़ी पेटी कैसे बनाओगे? ये तो बहुत बड़ी पेटी हो जाएगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई खेत का ही जिक्र है। तो ध्यान दीजिए, छोड़िए सब इन बातों को, कुल मिला के क्या है, रेक्टेंगल का केस है हमारा। इसमें क्या कहा है कि उसकी लेंथ है ना जो, वो ट्वाइस है किसकी, इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई की। तो उसने कहा एरिया 800 मीटर स्केयर है उसका। ठीक है, तो इफ शो, अगर ऐसा संभव है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने जो है निकालनी है। तो देखते हैं, हम सारी चीजें मान लेते हैं इसकी। देखो ध्यान दोगे, अगर वो रेक्टेंगुलर टाइप की है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने उसकी ब्रेथ को लेट कर, लेट कर लिया, लेट ब्रेथ क्या मान ली, एक्स। लेंथ क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी लेंथ, 2x। एरिया कितना दे दिया, 800 मीटर स्क्वायर। और क्योंकि एरिया जो हम रेक्टेंगल का निकालते हैं होता है एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 800। ठीक है, ठीक है ना, तो L है मेरे पास 2x और B की वैल्यू है x, 800 है, कितना हो गया 2x स्केयर इज इक्वल टू 800 और x स्केयर इज इक्वल टू 400। स्केयर रूट किया मैंने तो कितना आ गया
रहने दो, प्लस माइनस 20, ठीक है, प्लस माइनस 20 आ गया। अब नेगेटिव वाला तो होगा नहीं क्योंकि लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसका मतलब जो ब्रेथ है इसकी, जो चौड़ाई है वो तो कितनी आ गई, और लेंथ कितनी आ जाएगी, 40। तो बिल्कुल संभव है ऐसी चीज बनानी भाई, लंबाई जो है उसकी 40 हो जाएगी, चौड़ाई उसकी 20 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसने कहा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन जो है पॉसिबल हो सकती है, इफ सो अगर ऐसा है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी वर्तमान आयु निकाल लें। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, दो मित्र हैं उनकी आयु का योग 20 वर्ष दे रखा है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु की यदि गुणा करते थे तो वो कितनी थी, 48 थी, वाज आ गया ना, इसका मतलब थी, ठीक है, अगो भी आ गया, यहां से भी समझ जाओगे। लेट किया हमने, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले मित्र की आयु को हमने मान लिया एफ आर आई ई एन डी, यही हो गया ना, ठीक है, उसको हमने मान लिया एक्स ईयर। तो सेकंड जो दूसरा मित्र है उसकी आयु हो जाएगी, दोनों का योग दे रखा 20, तो ये हो गया 20 माइनस एक्स, ठीक है। वो बात कर रहा है 4 साल पहले की, मैं डायरेक्ट करता हूं क्वेश्चन को समझना, 4 साल पहले इसकी आयु कितनी थी, ठीक है, और 4 साल पहले सेकंड वाले की आयु भी 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसकी और इसकी गुणा, उन दोनों की गुणा कितनी थी, 48, यही था ना। इसको और ज्यादा सोल्व किया तो एक्स माइनस 4 और ये रह गया मेरे पास 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, जीरो नहीं 48, और ज्यादा सोल्व किया तो एक्स से गुणा की तो ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में 40 64 हो गया ना, 64 और प्लस में 4x माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, उसके बाद 16 और 4 कितने हो गए, 20x, 8 और 4 हो गए 12, 6 और 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0, माइनस ले लिया कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस 112 बराबर 0, कर लोगे सोल्व इसको, बोलो yes, गुणा करें तो 112 एक्स स्क्वायर, जोड़िया घटा करें तो 20x, फैक्टरी बता दो, बनते होंगे कुछ तो फैक्टर, बारह और आठ कितने हो है, 12 ठे नहीं बात बन रही, 14 छः देखो ये भी बात नहीं बन रही, 16 4 कुछ और देखो, चलो भाई अगर जब सारे के सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाएं तो एक ही ब्रह्मास्त्र हमारे पास है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सी कितना है, कर लोगे ना सोल्व, मतलब इसमें या सोल्व करवाऊँ, ठीक है। एक लास्ट सम और देखो, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इट इज इट पॉसिबल, क्या यह भी संभव है, तीनों क्वेश्चन में बस संभावना पूछी और तीनों के तीनों में संभावना मिलेगी। टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वेयर, अगर ऐसा संभव है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात बन जाएगी। लेट करो लेंथ और ब्रेथ दोनों को मान लो, ठीक है, लेट मान लिया कि जो लेंथ है वो है एक्स, जो ब्रेथ है वो है वाई, पेरीमीटर पी जो कि हमें कितना दे रखा है 80, ये दे दिया 80, और क्योंकि ये रेक्टेंगल उसने खुद बोला है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80, 2 को ले जाओ उस साइड, एल की वैल्यू एक्स, y इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू आ गया 40 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बाद में उसने कहा उनका एरिया, पेरीमीटर तो है उनका 80, और अगर मैं एरिया की बात करूं, इट इज पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, हाँ एरिया निकालो क्या होता है, x इंटू वाई कितना दे दिया 400,
एक्स एज इट इज या एक्स की वैल्यू पुट कर दो 40 माइनस वाई इन टू वाई इज इक्वल टू 400 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से आप लिखोगे 40y माइनस वाई स्केयर माइनस 400 इक्वल टू तो माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया तो प्लस का हो गया वाई स्केयर माइनस में 40y प्लस इक्वल टू माइनस को ले जाओ राइट हैंड साइड में कितना रह गया वाई स्केयर माइनस 40y और प्लस 400 इक्वल टू तो फैक्टर आसान है इसके तो क्या है माइनस 20y और माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू तो y आ गया कॉमन तो y माइनस 20 यहां से माइनस 20 कॉमन है तो y माइनस 20 पूरे में से कॉमन y माइनस 20 है यहां से भी तो इफ y माइनस 20 इक्वल टू जीरो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ जाएगी यहां से भी 20 ही आएगा अगर y 20 है तो x भी कितना आ गया एक्स भी कितना आ गया 20 ही आएगा ना तो क्या बन गया ये क्या बन गया स्केयर सारी साइड क्या है इसकी और क्या एक स्केयर को रेक्टेंगल कह सकते हैं नो सर कर लोगे ना नाइन्थ क्लास में पढ़ा तो था आपने फिफ्थ चैप्टर में ठीक है तो इसकी लेंथ भी 20 होगी ब्रेथ भी 20 होगी और ऐसी चीज बनानी भी हमारे पास क्या है संभव है कर लोगे तो ये टॉपिक बेटा आपका कंप्लीट हो गया है कल क्योंकि 10 बच्चे हमारी क्लास में नहीं होंगे तो कल इस पूरे चैप्टर की प्रॉब्लम भाई जिसकी जितनी भी प्रॉब्लम है चाहे वो एग्जांपल हो चाहे वो क्वेश्चन हो ठीक है उसके बाद परसों आपकी नोटबुक चेक होगी भाई और उससे अगले दिन इसका टेस्ट है फिर देखते हैं हम फर्स्ट चैप्टर में क्या कुछ करते हैं क्या नहीं ठीक है क्या भाई